बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा। उसमें ग्राफ है कि 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन इज एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसका बेसिकली फार्मूला तो कुछ नहीं होता, वैसे ही हमने x की वैल्यू पुट करनी होती है, y का आंसर निकलना आता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखा रहा हूँ जिससे आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आप बहुत मेथड को फॉलो करते हुए आप क्या करें कि आप सबसे पहले आप किसी भी मेथड से एक्स और वाई का आंसर निकाल लें। अब हम क्या काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये सपोज़ ये एक बेसिकली इसको हम रफ़ वर्क कहते हैं, जो पेपर में आपको ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख कर 3x इसको इधर ले आते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, और ये एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9। एक्स और वाई का आंसर निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट तो ये भी 3 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके ऐसे करें, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट, और हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इसमें से। तो सेकंड इक्वेशन जो हमारी बनेगी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दैट मीन 3x माइनस 9y, 3 9 20 27, ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। तो 1 और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x माइनस y इक्वल टू 11, दिस इज़ इक्वेशन 1। हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल प्लस, साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दिस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 8y, और 27 में से 11 निकालें तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 16। तो y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 16 अपॉन 8, 8 टू आर 16 माइनस 2। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 11, और यू कैन से 3x माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 2 इक्वल टू 11, 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 2 9, दैट मीन x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 3 इज आर 9, सो आवर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x, y मीन 3 माइनस 2। अब हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए हैं, ये आप रफ पेज पे करेंगे, मैंने आपको सामने इसलिए करके दिखाया है कि आप इसको किसी भी मेथड से एक्स और वाई का आंसर निकाल लें। ये इस ग्राफ का आपका ये मैच पॉइंट है। अब आपने इसके रीडिंग हमने लेनी है, तो हम काम क्या करेंगे, हम दो रीडिंग इससे ऊपर, दो इससे नीचे, ये हमारा मैच पॉइंट आ रहा आसानी से निकल आएगा। तो हम क्या लेंगे, हम फर्स्ट पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 11, ये हमारी पहली इक्वेशन है। हम इसको देखते हैं, ये हम मिड में रखेंगे, ये हमारा मैच पॉइंट है, दैट मीन दिस इज़ x, दिस इज़ y, तो x के ऊपर जो है हम 2 और 1 ले लेते हैं, और नीचे हमने यहाँ पर x की वैल्यू लेनी है, इसलिए मैं इसकी मिला रहा हूँ 4 और 5। ये हमारी 5 रीडिंग बन जाएंगी, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू फर्स्ट 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1 माइनस 11, 3 माइनस 11 इज़ माइनस 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9। तो हम इसको इधर ही s फॉर्म में लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, समझ आ रहा है आप लोगों को,
वन माइनस नाइन को लिखने के बाद अब आप इसका ये फर्स्ट पॉइंट था, अब आप सेकेंड निकालेंगे। सेकेंड कैसे निकालेंगे, सेकेंड में भी अब आप देखें हमने ये ली, अब ये लेंगे टू लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, देन वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू टू माइनस अलेवन, सिक्स माइनस अलेवन माइनस फाइव, सो वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, सेकेंड पॉइंट विल बी टू एंड माइनस फाइव। थर्ड पॉइंट निकालना है, हम ये लेंगे थ्री, लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये हमारा असल क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आप नहीं शो करेंगे, यहाँ से इक्वेशन लेंगे, पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये, लेकिन आपको पता है कि आपने ये मैच पॉइंट निकालना है ये वाला, इसकी दो रीडिंग ऊपर दो रीडिंग लेंगे, आपका ग्राफ 100% आएगा, 10 out of 10 आपको आसानी से मिल जाएंगे। तब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि इसको ये निकालने के लिए मैंने दो रीडिंग निकाली है, अभी तीसरी भी निकालूंगा, अभी हम थ्री लेंगे, देखते हैं माइनस टू आता है कि नहीं। सो वाई इज इक्वल टू थ्री इन टू थ्री माइनस अलेवन, नाइन माइनस अलेवन इज माइनस टू, सो थर्ड पॉइंट इज थ्री एंड माइनस टू, यू कैन सी, ये देखें आपके पास वही पॉइंट फिर आ गया, अभी हमारे पास थ्री पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है, अभी हमने टू पॉइंट और निकालने हैं, अभी हम दूसरे पॉइंट निकालेंगे, वही लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू, आपके वैल्यू थी फोर, वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर माइनस अलेवन, ट्वेल्व माइनस अलेवन इज वन, सो वाई इज इक्वल टू वन, द पॉइंट विल बी फोर एंड वन, एंड लास्ट पॉइंट फाइव निकालना है, लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव, सो वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू फाइव माइनस अलेवन, फिफ्टीन माइनस अलेवन इज फोर, सो वाई इज इक्वल टू फोर, योर लास्ट पॉइंट इज फाइव एंड फोर। अब आपके पास इस पूरी इक्वेशन का एक चार्ट बनेगा जिसको हम इस तरह बनाएंगे, ये आपके पास एक्स, ये वाई। अब आप देखें आपके पास एक्स की वैल्यू आपने वन रखी थी, फिर टू रखी थी, फिर थ्री रखी थी, फिर फोर रखी थी, फिर फाइव रखी थी। जब आपने वन रखी थी तो आपकी वैल्यू आई थी माइनस नाइन, फिर आपने टू रखी थी तो इसकी वैल्यू आई थी माइनस फाइव, आपने थ्री रखी तो वैल्यू आई माइनस टू, आपने फोर रखी तो वैल्यू आई वन, फाइव रखी तो वैल्यू आई फोर। ये आपकी इस इक्वेशन का वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस अलेवन, इस इक्वेशन का चार्ट आपका बन गया रीडिंग। अब हम इसी तरह दूसरी इक्वेशन लेंगे, सेम प्रोसेस यही फॉलो करेंगे, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, हमें एक रखना है अपने पास, इसको नहीं रखेंगे वरना ये डिवाइड हो जाता है, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस प्लस नाइन, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास वही रीडिंग है, थ्री और माइनस टू हमने मिड में लाना है, तो अब देखें यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू रखनी है, तो हम इस दो पे ऊपर ले जाएंगे, दो नीचे, माइनस टू ऊपर माइनस वन और ज़ीरो कर लेते हैं, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर लिख लेते हैं, लिखेंगे पुट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो देखते हैं क्या आता है, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू ज़ीरो प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन, सो एक्स इज एक्स ऊपर लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू नाइन, तो आप पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे, अंडरस्टैंड। अब आप सेकेंड लेंगे दूसरे में, ये आपकी पहली वैल्यू आ गई सेकेंड, पुट वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन प्लस नाइन, माइनस थ्री प्लस नाइन इज सिक्स, सो एक्स इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स एंड माइनस वन। अब आप थर्ड पॉइंट लेंगे, थर्ड में लिखेंगे पुट
y इज इक्वल टू माइनस टू ये लेंगे इसकी लीडिंग, तो x इज इक्वल टू थ्री इन टू माइनस टू प्लस नाइन माइनस सिक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू थ्री, सो x इज इक्वल टू थ्री आप देख सकते हैं वही पॉइंट फिर निकल आया थ्री माइनस टू। और फोर पॉइंट अब आप लेंगे तो क्या बन जाएगा, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस नाइन नाइन माइनस नाइन प्लस नाइन इज ज़ीरो, सो x इज इक्वल टू ज़ीरो, पॉइंट आया ज़ीरो एंड माइनस थ्री, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, आप भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ग्राफ बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके पास लास्ट पॉइंट फाइव है, हम इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस फोर, तो x इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस फोर प्लस नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन इज माइनस थ्री, सो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री, एंड देन माइनस थ्री माइनस फोर। यहाँ पर अब हम इसका चार्ट बना लेंगे वही जैसे हमने पहले बनाया था, ये x होगी वैल्यू, ये y, वन टू थ्री फोर फाइव। अब आपके पास फाइव रीडिंग ली है हमने, हमने पहले देखें आपके पास ये ज़ीरो लिया था y की वैल्यू तो नाइन आई थी, यानी कि x अगर नाइन था तो y ज़ीरो था, ये पहली रीडिंग आ गई। फिर उसके बाद सेकंड में हमने ली थी तो यह आया सिक्स माइनस वन, ये सिक्स था तो ये माइनस वन आ गया, फिर थ्री माइनस टू ये थ्री था तो माइनस टू बन गई, फिर हमारे पास ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो माइनस थ्री और माइनस थ्री माइनस फोर। ये आपके पास आपके सामने नज़र आ रहे होंगे दो चार्ट आपके पास मिल गए, आपको दो वैल्यूज मिल गई, एक ये बन गई एक ये बन गई, अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब आपको ग्राफ का मेथड मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ में होता क्या है, कि ग्राफ बेसिकली जब आपके पास बुक मिलती है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं यहाँ बनाऊंगा पूरे पेज के ऊपर ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, यहाँ बना ले वहाँ पर आपके पास इस फॉर्म में होते हैं, आपके पास लाइनें लगी होती हैं, मैं मिड में एक लाइन लगाऊँगा तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जब आपके पास इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सिस कहेंगे, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन होता है बेसिकली। ऊपर आपके पास यहाँ पर टेन स्मॉल डिवीजन, इनके ऐसे होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसी तरह इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब आप यहाँ एक चीज़ बनाई मैंने आपके पास कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी टेन लाइनें होती हैं, ये भी टेन होंगी ये भी टेन, तो एक आपके पास इस तरह के बॉक्स बने हुए मिलेंगे वहाँ पर, इस तरह के बॉक्स होते हैं टेन लाइन ग्राफ के अंदर इस तरह बने होंगे आपके पास, ये जो बॉक्सेस हैं ये टेन टेन के, ये यहाँ पर इस तरफ फोर मिलेंगे इस तरफ फाइव मिलेंगे जब आप मिड में लाइन लगाएंगे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ, इसी तरह ऊपर पाँच मिलेंगे लेकिन आप फोर ही लेंगे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब आप इसमें ये मैंने आपको सिर्फ ग्राफ का पैटर्न बताया है, अब आप यहाँ पर सबसे पहला मेथड ये है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिड में लाइन लगाएंगे। अब आपने करना क्या है, देखना है कि इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास दो चार्ट बने हुए मैंने दिखाए थे ये और ये, इन दोनों में मैक्सिमम नंबर क्या है, ये माइनस नाइन नज़र आ रहा है और इधर मुझे नाइन नज़र आ रहा है, तो नाइन हो या प्लस या माइनस कोई भी हो नाइन इज़ द मैक्सिमम नंबर।
अब आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके ग्राफ के अंदर, ग्राफ में आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, यानी कि 40 नंबर हैं, 10, 20, 30, 40। आप 4, 4 लेंगे तो 40 है, इधर मैक्सिमम 9 है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे किसको, 40 को डिवाइड करेंगे 9 से, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको 40 से हर दफ़ा डिवाइड करेंगे, चाहे 6 हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, मैक्सिमम नंबर 5 हो, कुछ भी हो, उसको 40 से डिवाइड कर लेंगे। ये बनता है 9 4 ज़ार 36, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट में कुछ आएगा, यानी कि आप होल नंबर को लेंगे तो 40 30, अगर 5 लेता हूँ 45 हो जाता है, तो 5 का पॉइंट तो मैं ले नहीं सकता, मैं क्या करूँगा, मैं 4 4 के स्केल लूँगा। तो यहाँ पर हम हर ग्राफ से पहले स्केल लिखेंगे, स्केल मैं दोनों आपको बोलूँगा सेम लें, वाई एक्सिस या एक्सिस पे दोनों तरफ सेम लें, लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे, क्या लेंगे आप इसको, 4 स्मॉल डिवीजन, 4 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू, आप इसको 1 काउंट करेंगे, ये जो 1 है 4 स्मॉल डिवीजन जो हमारी स्केल का है वो कम काउंट करेंगे। अब यहाँ से देखें, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ 1 2 3 4, दैट मीन आपका पॉइंट यहाँ पर हम 1 गिनेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, यहाँ पर आके ये 2 हो जाएगा, इसी तरह काउंट करते जाएंगे 1 2 3 4 3। तो मैं एक आइडिया से आपको, यहाँ पर ये आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6 7 8 9 10, मैं इतना ले रहा हूँ, उसी हिसाब से यहाँ पे देखूँगा 1 2 3 4, 4 पे 1 लेंगे, -1 आएगा यहाँ, प्लस, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं कि ये प्लस एक्स एक्सिस था, ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो प्लस और माइनस में इधर प्लस की वैल्यू सारी लेंगे, इस तरफ माइनस में लेंगे, -1 फिर 1 2 3 4, ये -2, 1 2 3 4, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, यहाँ भी इसी तरह 4 4 का 1 2 3 4, ये 1 1 2 3 4, 2 आगे आप खुद निकालेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9 10, इसी तरह नीचे आएंगे 1 2 3 4, आप खुद काउंट करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर, ये देखिए आप, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लेंगे, -1 1 2 3 4, -2 1 2 3 4, -3, अब अप्रॉक्सीमेटली लेते रहेंगे, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब आपका ये सारा ग्राफ जो मैंने आपको बना के दिया है, कि ये एक आपका स्केल बना के बनाया मैंने, जिससे क्या हुआ कि आपने रीडिंग, आपके पास मैक्सिमम रीडिंग, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो रीडिंग है, एक्स हो या वाई हो, ये एक्स हो, एक्स हो या वाई हो, इनमें मैक्सिमम नंबर जो होता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा, उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा 40 से, इतने का हमने स्केल लेना है, चाहे 4.5 आएगा तो 4 लेंगे, 5.2 आएगा तो 5 लेंगे, नहीं कम वाला लेंगे, ठीक है, 9.2 आएगा तो 9 लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस ग्राफ के अंदर 4 के हिसाब से हमें लेने पड़ रहे थे। अब मैं क्या करूँगा, हमारा मैच पॉइंट निकालना, मीनिंग हमें, हम अपना काम कर चुके हैं कि नंबर 10 आउट ऑफ 10 ले लिए हमने उस मेथड से, कि हमने जो इसका मैच पॉइंट निकाल लिए, लेकिन हम इसको अब बना के दिखाना है, वो आसान सा मेथड है, रीडिंग हम ले चुके हैं, फर्स्ट रीडिंग हमारी जो बनेगी वो हमारी ये रीडिंग है, इसमें अब आपके पास लिखी हुई है, आप देखें उसको पहले,
ये x की वैल्यू 1 और -9 है, तो हम यहाँ पर 1 और -9 लेंगे, x की तरफ 1 तो ये है, ठीक है, +1, -9 तो यहाँ नीचे आएगा, तो दैट इज़ ये -9, इसके सीध में हम लेंगे चले अंदाजे से लगा लेते हैं, ये 1 है ये -9 है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आप क्रॉस लगा दें। अब वहाँ लाइनें सीधी लगी होंगी, आपको जस्ट स्केल रखें यहाँ पर, इसको ऐसे में ये ऐसे बनता है, ये याद रखिएगा, यहाँ से इधर आ रही होगी लाइन और ये वाली लाइन जो इससे मैच कर रही होती है वो हमारा पॉइंट होता है, दैट मीन दिस इज़ 1 एंड -9। पहले वाले ग्राफ का पहले हम बनाएंगे फिर दूसरे का बनाएंगे। अब दूसरा पॉइंट था हमारा 2-5, आप यहाँ देखिए 2-5 कैसे होगा, ये 2 है और -5 ये है, तो इसका मतलब यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे यहाँ तक और ये यहाँ से ऐसे बन रहा है, लाइनें नहीं लगाएंगे ये, तो मैं सिर्फ सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, आप ये लाइनें नहीं, आप सिर्फ ये पॉइंट्स लगाएंगे। और ये याद रखिएगा कि ग्राफ के अंदर जब पावर ना हो तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ना सर्कल होगा ना पैराबोला होगा ना इलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये देखें 3-2, अब यहाँ पर हम प्लस में 3 में जाएंगे, -2 में, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ रहा है ये 3 और ये -2, यहाँ से देखें ये 3 और ये -2। इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट था, क्या था, 4-1, अब ये 1 आ गया प्लस में, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हम 4 काउंट करेंगे और 1 ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ तो नीचे माइनस था ऊपर प्लस, अब ये 1 है तो 4, और यहाँ पर तकरीबन हमारे पास ये 4 और 1, और लास्ट पॉइंट है हमारा, आपके पास लिखा भी होगा 5 एंड 4, तो ये हम कहाँ जाएंगे, ये 5 है, 4 ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पर तकरीबन हमारे पास ये 4 और ये 5, ये तकरीबन यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे ये 5-4 आ गया। अब हमारे पास थोड़ी सी, हमने रफली बनाया है इसलिए इसमें ऐसे थोड़ी सी गलती से हो भी सकता है, हमारी रीडिंग आपस में कर्व बन सकता है लेकिन होगा स्ट्रेट ही, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ये कर्व नहीं बनेगा, ये मैंने ग्राफ बनाया है, आप ग्राफ पर जब बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ से ये हमारे पास बन गई, किसी इक्वेशन का था ये y इज़ इक्वल टू 3x-11, ये हमारी पहली इक्वेशन का ग्राफ है जो हमारा बना है। तो अब आप यहाँ पर देखें, अब हम दूसरे का भी इसी में ग्राफ के साथ मिलाएंगे, अब ये हमारे पास पॉइंट्स हैं 9-0, पहले x9-0, अब यहाँ पर देखें x में प्लस का 9 ये है, 0 भी इधर ही होगा क्योंकि 0 होता तो उसी लाइन पे आता है, दैट इज़ 9-0। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या है, 6-1, तो 6-1, अब क्या 6-1 में देखें आप क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 6 तक और -1 नीचे आएगा, तो यहाँ से ये 6 और -1 तकरीबन इसके साथ ही आएगा, थोड़ा सा इस जगह पर ये तकरीबन ये आ गया 6-1, थोड़ा सा साथ ही आएगा, आप देखेंगे यहाँ 6 है और यहाँ -1 है, ये ऐसे। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है 3-2, अब आ गई वही बात जो हमें चाहिए थी, ये 3 और ये -2 इसी के ऊपर आएगा, ये हमारा असल में आ रहा मैच पॉइंट जो हमें बोर्ड में दिखाना होता है, जिसके नंबर 100% मिल जाते हैं, 0-3, ये 0 है और ये -3 है, तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पर ये -3 होगा इसके ऊपर, यहाँ से 0 और ये -3, और हमारा लास्ट पॉइंट है -3-4,
अब आप देखें माइनस थ्री इस तरफ आएगा प्लस में, ये माइनस थ्री आया क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस थ्री और माइनस फोर भी नीचे ही आएगा तो तकरीबन यहाँ पर आ रहा है माइनस थ्री, तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली थोड़ा सा ऊपर बनेगा। मैंने जो बनाया है ये ग्राफ, ये कुछ इस तरह बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा दूसरा है। ये इक्वेशन थी हमारे पास, इस पर हमने लिखा नहीं, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना है वो बना है एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ से ये क्रॉस किया है दैट पॉइंट दिस इज़ थ्री एंड माइनस टू, थ्री माइनस टू। अब ये दोनों इक्वेशन में ये कट कर, और ये आपको पता है कि हमने शुरू में ये वैल्यू पहले निकाल ली थी। जब हमने निकाल ली तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमें असल में बेसिक इसका जो मेन रिज़ल्ट है वो क्या है। जब किसी चीज़ का रिज़ल्ट पता चल जाए तो फिर इजी हो जाता है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करके इजीली बना सकते हैं। आप किसी किस्म का भी ग्राफ हो लीनियर इक्वेशन का, तो आप बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करके, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन 10 out of 10 मिल जाएंगे आपको। दो नंबर काम करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते रहें, उल्टा सीधा करेंगे, बन तो वो भी जाएगा, लेकिन इस मेथड से आपका 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा। और ये आपके पास जो बना तो यहाँ पर आप यहाँ जो आखिर में लिखेंगे रिज़ल्ट, ये उसी ग्राफ पेज पे होगा, तो लिखेंगे मैच पॉइंट इज़ थ्री एंड माइनस टू, दिस इज़ योर फाइनल रिज़ल्ट। अब आप यहाँ से, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ, देखें हमने यहाँ से शुरू किया था, असल में क्वेश्चन वो ये देगा, बोलेगा इसका आप ग्राफ बनाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा तकरीबन रफ वर्क है जो आपने पेपर में शो नहीं करना। अगर आप रफ किसी पेज पे कर लेंगे तो पूछेगा नहीं भाई ये क्यों की है। आप लेफ्ट पेपर के बुक कॉपी के आखिरी तरफ जाते हैं, आखिर में लिखने के बाद जो आखिर पेज होते हैं वहाँ लिखें रफ़ वर्क, उसमें आप अपना सारा काम रफ़ करें, उसके बाद वहाँ पे लाइन लगा दें, दैट मीन योर कॉपी इज़ सिक्योर्ड, और जो आपने कैलकुलेशन की उससे आपका नंबर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तब आपने इस दोनों में से एक्स और वाई का पॉइंट निकाल लिया, वो आपका निकला थ्री माइनस टू, ये देखें ये निकला था। अब आपने क्या करना है कि जब आप असल में ग्राफ यहाँ से शुरू होगा जो आपका पेपर में भी करेंगे, एक दफ़ा इस इक्वेशन की निकालेंगे, एक दफ़ा इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपका ये पॉइंट निकल आया, इसमें से दो रीडिंग ऊपर दो रीडिंग नीचे। अगर आप एक्स, जैसे इसमें हमने एक्स की वैल्यू लेनी थी तो हमें एक्स के ऊपर दो नीचे लिए, जहाँ से रख के कैलकुलेट करते रहे, पहली वैल्यू एक्स की लिखी जाती है, दूसरी वाई की, तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई, फिर एक्स फिर वाई, ये फिर एक्स फिर वाई, तो एक्स वाई लिखने के बाद जब आपके पास देखें यहाँ थर्ड हमने निकाला था यहाँ से, तो ये थर्ड फोर्थ फाइव ये सारे, तो ये देखिए हमारे पास ये हमने पहले एक्स लिखा फिर वाई, तो हमने एक चार्ट बनाना है जिसमें इधर एक्स इधर वाई लिख देना है, जो आप इधर ये इस तरह कॉलम बनते रहें, कोऑर्डिनेट बनते रहें, वो वैल्यू वन थ्री माइनस वन टू माइनस थ्री फाइव फोर वन फाइव वन, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ तक आपकी पहली इक्वेशन की कैलकुलेशन हो गई। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये टोटल आपका 5 to 6 मिनट कंप्लीट में ये ग्राफ बन जाता है। दूसरी रीडिंग भी सेम वैसे ही लेंगे, आप ये इक्वेशन लेंगे, हमने कोशिश करनी है कि थ्री वाई इधर ना रखें, हमने सिंगल वाला रखना है जिसकी वैल्यू में पावर बेस कॉफिशेंट ना आ रहा हो, कॉफिशेंट ना आ रहा हो, अगर आ रहा है तो फिर तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद कॉफिशेंट ना आ रहा हो तो आप लेंगे। तो आप यहाँ से देखें इसको, जब आपने एक्स ले लिया ये उठा के प्लस हो गया, फिर यहाँ पर देखें वही हमारे पास पॉइंट है जो मैच पॉइंट निकलना है, इसी दोनों इक्वेशन का मैच पॉइंट था, तो यहाँ पर हमने कहीं रफ प्लेस पे लिख लिया ये। अब यहाँ हमें वाई की वैल्यू रखनी है, तो हमने क्या किया ये देखें वाई की वैल्यू, तो यहाँ वाई पे दो ऊपर दो रीडिंग ले, तो माइनस टू माइनस वन ज़ीरो माइनस थ्री माइनस फोर, इस तरह लिखने के बाद आप क्या करेंगे वो वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास यहाँ से एक चार्ट बन जाएगा उसी तरह का, जब आप उसको करेंगे वैसे ही बनेगा। फिर आपने इसमें देखना है कि आपने ग्राफ स्केच कैसे करना है, तो आपको बताया कि जो मैक्सिमम नंबर होते हैं यहाँ 9 - 9 + 9 दोनों के अंदर, अगर 13 हो 12 हो 14 हो कोई भी हो,
आपने उस नंबर से उसको 40 को डिवाइड करना है। 40 को इसलिए करना है कि आप जब ग्राफ बना रहे होंगे तो आपके पास 4 बॉक्सेस मिलेंगे सिर्फ आपको, 1, 2, 3, 4, यानी कि 40 लाइनें मिलेंगी। जब आप ग्राफ उठाएंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ 50 मिलते हैं, यहाँ 50, तो आप यहाँ भी 40 40 लेंगे। स्केल में क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 4 v = 1, क्योंकि आप ये जो डिवाइड किया था तो 4 आया था, तो आपने 4 रीडिंग पॉइंट से लेना है। अगर आप इसके अलावा कोई लेंगे तो आपका स्केल चेंज हो जाएगा, जिससे आपके लिए मसला बनेगा। तो आपने यहाँ से 4 के हिसाब से चारों तरफ हर 4 पॉइंट के बाद एक काउंट करेंगे, 4 के बाद 4 के बाद आपके पास ग्राफ में पूरी लाइनें बनी होती हैं, उसमें आप इनको 4 के बाद 1 काउंट हुआ, 2, 3, तो 4 स्मॉल डिवीजन को 1 काउंट करेंगे। तो ये आपने इस तरह जब बना लिया पूरा ग्राफ, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, तो इन सब को अगर आप कोऑर्डिनेट में, आपको पता होना चाहिए कि पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। अगर एक्स प्लस होगा तो यहाँ आएगा, एक्स माइनस होगा तो यहाँ जाएगा, अगर वाई प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, वाई माइनस होगा तो नीचे आएगा। आपने ये वैल्यूज देखी, इस तरह क्रॉस लगा दिए। आप उसके बाद फ्री हैंड स्केच करेंगे, पहले वाली इक्वेशन की ये इक्वेशन लिख दी, ये ग्राफ देखा, दूसरी ये इक्वेशन देखी, और ये देखें ये पॉइंट यहाँ से कट कर रहा है, दिस इज़ आवर मैच पॉइंट। वो इस तरह नहीं कहता कि आप पहले एक्स वाई निकाल दें और उसके बाद आप बोलें जी मेरा तो ये रिज़ल्ट आ गया है। वो कहता है मुझे पहले ग्राफ बनाएं, फिर यहाँ बताएं कि ये किस जगह से मैच कर रहा है। आप रीडिंग यहाँ से लेते रहें, मैच करके दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अननेसेसरी काम करने के बाद, ऑथेंटिक काम नहीं है वो, लेकिन हमारा रिज़ल्ट 100% आ गया। हमने देखा कि ये पॉइंट आया था तो इसी से मैच करके निकलना चाहिए, तो ये हम लिखेंगे कि ये हमारा मैच पॉइंट। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और किसी चीज़ को आप समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आपका होस्ट प्रोफेसर साजिद हुसैन दुआका तालिब, आप लोग याद दुआओं में शामिल रखें, और किसी चीज़ की समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए, ताकि आपको हर नई क्वेश्चन, नया चीज़ आपको मिल जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।